संगारो नाम का ब्राह्मण श्रावस्ती में थे। वो संगारो ब्राह्मण का एक मिथ्या विश्वास था, अंधविश्वास। पानी में डूबकर पाप को धो सकता है। क्या मिथ्या विश्वास था? पानी में डूबकर पाप धो सकता है, इसलिए वो क्या किया, पानी में डूबकर हमेशा पवित्रता को प्रार्थना किया। वो सुबह शाम रोज पूजा पाठ के चलते ये क्या करता था, सुबह भी पानी में डूबता है नदी में जाके, शाम भी पानी में डूबता है। उसी दिन आनंद बंते जी सुबह भिक्षाटन के लिए, पिंडपात के लिए जा रहे थे। जा करके भोजन करके तथागत भगवान बुद्ध के पास आ करके बताया, भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में एक संगारो नाम का एक ब्राह्मण है, उनके पास एक मिथ्या अंधविश्वास है, पानी में डूबकर पाप को धो सकता है, पानी से पवित्र हो सकता है, पानी में नहाने से पवित्र होता है मानव। इसलिए वो सुबह शाम पानी में डूबकर रोज नहाता है। तथागत भगवान बुद्ध जी संगारो ब्राह्मण का घर पे उन पे दया करके पधारिए, संगारो ब्राह्मण को कृपा करिए। भगवान बुद्ध जी चुप होकर स्वीकार किया। सुबह तथागत भगवान बुद्ध जी पात्र चीवर लेकर के संगारो ब्राह्मण का घर में आया। आने के बाद एक आसन बना दिया बैठने के लिए, उसी आसन पे भगवान बुद्ध बैठ गए। संगारो ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया, आकर के बातचीत हो गया कैसा कैसा है। इसके बाद बताया, पुण्यवान ब्राह्मण आप पानी में डूबकर पवित्रता को प्रार्थना करता है क्या, आप सुबह शाम पानी में डूबता है क्या पाप को धोने के लिए? वो संगारो ब्राह्मण बताया, जी तथागत बात सही है। बताया ब्राह्मण, आप पानी में डूबता है, पानी में डूबकर पानी धो सकता है ऐसा आप कहता है, आपको ऐसा कुछ फायदा हुआ है, पानी में डूब के पाप धोआ गया है? कैसा सफलता मिलता है वो पानी में डूबकर पवित्र हो सकता है ऐसा करने से? बताया तथागत गौतम जी, कारण ये है, अगर दिन के समय में मुझसे पाप हो गया तो शाम में हम नहाते समय वो पाप धोया जाता है, रात्रि में कुछ पाप हो गया तो सुबह नहाते समय वो सारे पाप धोया जाता है। पुण्यवान गौतम जी, वो कारण को देखकर हम सुबह शाम नदी में गंगा जल नहाते हैं सुबह शाम, इसलिए हम वो करते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया, ब्राह्मण आर्य लोग भी नहाने का एक जगह है। आर्य लोग मतलब भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले लोग, उनको आर्य कहता है। आर्य लोग भी नहाने का जगह है, लेकिन वहाँ नहाने से शरीर बिंगता नहीं है। सचमुच में ऐसा नहाने से उन लोग संसार भी पार कर जाता है।
वो एकदम अचंचल है, अटल है। सत्पुरुष लोग हमेशा अच्छा ही कहते हैं उसी नहाने का पोखर को, उसी पोखर को उतर जाता है सील का दरवाजा से, उसी पोखर को उतर जाता है सील का दरवाजा से। उसको क्या कहता है जो तट है ना, तट सील का तट से नहीं, वो गंगा नदी में भी एक जगह है नहाने के लिए बनाया है, घाट घाट है ना, वही वो सुंदर पोखर, आरे लोगों का सुंदर पोखर का घाट है, घाट सील से बनाया हुआ है। वो पोखर है, वो जलाश का नाम है धर्म, समझ गया। धर्म की जलाश में, धर्म मतलब आरिष्टांगिक मार्ग, सील समाधि प्राज्ञा। तो भगवान बुद्ध ने बताया अगर जो कोई व्यक्ति उसी पोखर से नहा लेगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो जाता है। क्या है वो जलाश का नाम? धर्म। वो पोखर में उतरने का घाट का नाम है सील। बिना इसका मतलब बिना सील सुरक्षा करके धर्म की रास्ता पे नहीं जा सकता है, ये परफेक्ट सत्य है। ऐसा है तो आप लोग कोई भी अगर सील तोड़ेगा तो बार बार विमुक्ति के रास्ता पे आगे नहीं बढ़ सकता है। आप लोगों को विमुक्ति के रास्ता पे कदम रखने का पहला कदम है सील। तो अभी भी बहुत सारे लोग पाप धोता है ना नदी में, गंगा नदी में गंगा जल लेके आते हैं लोग, ये गंगा जल है। हाँ, अभी लोग वो बात थोड़ा बदला दिया, क्योंकि वो पुराने लोग ये सब बोलते गया तो लोग मूर्ख बन जाएगा, मतलब बदनाम हो जाएगा। अभी लोग कहता है, उसके लिए नया बात बताया, हिमालय से गंगा नदी शुरुआत होता है, वहाँ आते आते हिमालय में बहुत क्या है जड़ औषध जड़ बूटी में पानी सट के आता है, तब इसीलिए वो पानी पवित्र होता है, इसीलिए गंगा नदी का गंगा जल पवित्र होता है, इसीलिए उसी गंगा जल में नहा लेगा तो पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। अभी नया बनाया है, ऐसा ऐसा बोलने पर लोग को साधारण हो जाते ना बात, हाँ सही सही सही, तो गंगा जल अच्छा है, लेकिन वो झूठ है। उतना दूर से सोच लीजिए, उतना दूर से वो जड़ी बूटी धोआ के आ जाएगा तो बेकाना तुप ककार भी उसी गंगा जल में है। रोज लोग आता मुर्दा जला के उसी गंगा नदी में डालता है, पवित्र चीज गंदा चीज सब मिला हुआ है, तो बैक्टीरिया भी है, ऐसा है तो इसीलिए। लेकिन वो अंधविश्वास है, आप लोग का गांव में भी है? नहीं है, अभी नहीं है, वो पुराना युग में था, अभी भी है। बाप रे, सारी पवित्र करने के लिए। तो एक दिन कौन है दासी का नाम पुन्ना नाम का एक दासी थी, वो दासी लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म सुना है। वो दासी ठंडा समय में पानी लेने के जा रहे थे, एक ब्राह्मण पंडित जी गंगा नदी में डूबता है, ओ मुस्काल उस समय नहीं था, ऊपर आता है फिर डूबता है ऊपर आता है। ये पुन्ना पूछ रहे थे, आप ये क्या कर रहे हैं, हम तो ये सुबह सुबह इधर आने में हमको खराब लगता है, मालिक से डांट सुनना पड़ेगा, इसलिए हम घड़ा ले के पानी ले जाने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन आप नहाते हैं इतना ठंडा पानी में सुबह सुबह, ऐसा क्यों करते हैं? हाँ पुन्ना तुम क्या जानती हो, पुन्ना नहीं क्या नाम है उपासक लोग का,
नहीं वो पंडित लोग कह रहे यजमान हाँ हाँ जजमान हाँ हाँ जजमानी तुम नहीं जानती हो इस पान पानी में नहाने से हम लोग का पाप धोया जाता है, हम लोग पवित्र होता है, निर्वाण की ओर जाता है। ये पुन्ना पूछ रहे हाँ सही बात, आप इसी पानी में नहाने से पाप धोया जाएगा, तो पानी में कछुआ है मछली है उन लोग ज्ञान प्राप्त होगा, साफ है सभी लोग ज्ञान प्राप्त होगा क्योंकि उन लोग जीवन भर पानी में है। इसका ब्राह्मण लेकिन दिमाग वाला पूछा क्या तुमको ऐसा प्रश्न पूछने का ज्ञान कहाँ से आया? अरे सब झूठ मूठ सब छोड़ दो, वहाँ तथागत भगवान बुद्ध जी विराजमान है, जाके जरा सुनिए आपका सारे दुख खत्म हो जाएगा। यही बात है, अभी नया बना है लेकिन वो झूठ को छुपाने के लिए एक नया बात क्या है, हिमालय से जड़ी बूटी को दुहा के गंगा जल आता है, इसलिए गंगा जल पवित्र है। ये गंगा जल पियेंगे तो अमर हो जाएंगे, लेकिन अंधविश्वास तो अंधविश्वासी हैं। तो भगवान बुद्ध ने बताया नहाने का एक पोखर है, उसी पोखर में उतरने का एक जगह भी है, उसी घाट का नाम क्या है, सील का घाट से उतरना पड़ेगा, आराम से धर्म का पोखर में जाने नहा सकता है। तो अभी आप लोग धर्म का पोखर में है ना, आप लोग भी अभी नहा रहा है ना, अभी भी नहा रहा है, तो इसीलिए आप लोग याद रखिए बात को, आप सभी लोग याद करें कि क्या। और एक बात, सील सुरक्षा होने के बारे में आप लोग जान गया ना, सील सुरक्षा होने के लिए क्या सहायता होता है, वात करना। ये उपदेश देने के बाद कौन है, संगारो ब्राह्मण भगवान बुद्ध के शरण में आया, सब छोड़ दिया। तो आप लोग उनको भी इसी प्रकार धर्म के अनुसार मनन करके सारे अंधविश्वास को त्याग करके शांतिपूर्वक जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए।